लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। शाहजहांपुर जिले की मोहन बड़ौदिया तहसील के निपानिया स्थित बांध पर लगभग 3 वर्षों से पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण जनों की शिकायत पर शाहजहांपुर जिलाधीश दिनेश जैन ने बांध पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उक्त कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। संबंधित ठेकेदार पर या तो कार्रवाई करो या फिर जल्दी से जल्दी काम को पूरा करो। PWD एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्ग को दुरुस्त कर आम जनता को राहत दे। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल संवाददाता देवेंद्र बिसानी के साथ कैमरामैन महेश भारती की खास रिपोर्ट। तो इसका जो वैकल्पिक मार्ग जो अपन ने बना रखा है वो वाया बताओ भाई शिवाजी जी आपका है तो क्या दिक्कत क्या है इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली क्या है सर इसमें ये जो पानी है यार पानी तो हमेशा ही मतलब नहीं ये तो पूरा संबंध रहता है सर एक तरफ सब खबर एक तरफ तो इसमें पूरा ध्यान कितने साल मतलब कब तक ये कंप्लीट करना था? नहीं ये टाइम लाइन होगी ना अक्टूबर 21 तक कंप्लीट करना था। अक्टूबर 21 या 21 तो निकल गया 22 आने वाला है तो उसमें सर प्रोविजन में 10% पेनल्टी भी लगाई है सर और कॉन्ट्रेक्टर को सर ये होता है नागर विजय वर्गी आदमी है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है तो मतलब इतना क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें सर 5 अप्रैल तक पानी रहेगा और 3 महीने मिलते हैं। नहीं सर ये तो मार्च अप्रैल में पूरा खाली हो गया था। अप्रैल में खाली होता है ना पानी बिल्कुल सर खाली हो गया था इसके बाद आपने खाली हो गया नोटिस जारी नहीं 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 पूरी इसमें सर मैंने 5 न्यूज इस तरफ आ जाओ तुम इधर और अलग अलग बोलो एक एक बोलो क्या इस समझ में क्या लेते आपने इतने दिनों में जी देखिए क्या है कि अभी ये लगातार बारिश हुई है उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं और यहाँ मोहन बड़ौदिया क्षेत्र की जो 2-3 बड़े बड़े काम हैं जैसे निपानिया के यहाँ का जो पुलिया पुल बनना था बड़ा वाला और फिर उसका जो वैकल्पिक रास्ता है वो भी बहुत खराब हो रहा है और हम लोगों ने मांग लिया कि पहले का भी रास्ता देखा है तो संबंधित एजेंसी जिसकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले इसको बना रहे हैं तो पहले ये लोग काफी डिले कर चुके हैं। इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई ये टाइम से आप इसको कंप्लीट करिए। जो लोग नहीं बना रहे हैं या ठेकेदार के खिलाफ या तो कार्रवाई करो या फिर इसको बनवाओ या फिर दूसरा ठेकेदार नियुक्त करो। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि ये जो वैकल्पिक रास्ता है इसमें PWD को बोला है कि जो मोहन बड़ौदिया से 1 किलोमीटर तक का रास्ता है उसको तो PWD वाले काम लगाएंगे और आगे का काम जो है RES वाले करेंगे और यहाँ वाला जो है PMGSY वाले इसका डायवर्सन ठीक करेंगे और इसको पुलिया का काम शुरू करेंगे। तो लोगों को काफी परेशानी है उसी की समस्या को जानकर हम लोग यहाँ पे आज संबंधित एजेंसीज के साथ भ्रमण करने आए थे और जो एजेंसीज के जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया है जिन इंजीनियरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को हम लोग लिखेंगे।